फैमिली प्रोडक्ट स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरो, नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। चित्तौड़गढ़ में कपासन थाना पुलिस ने फरवरी माह में राष्ट्रीय थाना पुलिस पर फायर कर अवैध डोडा चूरा से भरी गाड़ी को छोड़कर फरार होने वाले अभियुक्तों को सिरोड़ी थाना चंदेरिया से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार इसी वर्ष 27 फरवरी को पुलिस थाना राष्ट्रीय द्वारा भालोटा की खेड़ी तिराहा पर नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी को पुलिस जब्त द्वारा रुकवाया गया था, तो गाड़ी में सवार दो व्यक्ति पुलिस जब्ते पर फायर कर भागने लगे, जिसका पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो आरोपी गाड़ी को कुछ ही दूरी पर छोड़कर मौके से फरार हो गए। उक्त गाड़ी में से थाना अधिकारी राशमी ने तलाशी के दौरान 3 क्विंटल 78 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया गया, जिस मामले में थाना राशमी पर एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंसाधन थाना अधिकारी कपासन बाबूलाल के जिम्मे किया गया था। अनुसंसाधन के दौरान गाड़ी का मालूम मत करने पर गाड़ी सिरोड़ी थाना चंदेरिया निवासी पुरनदास पिता रामचंद्र दास वैष्णव के नाम पर पाया गया, जो घटना के दिन से ही फरार चल रहा था, जिसे उसके घर पर होने की सूचना मिलने पर कपासन थाना अधिकारी ने अपने जब्ते के साथ घर से गिरफ्तार किया गया, जिसे अवैध डोडा चूरा व फायर करने के बारे में पूछताछ करने हेतु न्यायालय से 3 दिन पुलिस रिमांड पर लिया गया। उक्त प्रकरण में पहले से ही एक आरोपी जेल में है एवं मुख्य आरोपी सिरोड़ी थाना चंदेरिया निवासी सुरेश जाट की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से SP सुखवाल की एक रिपोर्ट।